Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था और 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जो अब एग्जिट पोल है वो आप सभी के बीच आ चुके हैं। 5ों राज्य में किस किस सरकार बन रही है, किसके किसके बीच में जबरदस्त तरीके का टक्कर है, इसकी पूरी जानकारी जो है आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत राजस्थान से करते हैं। जी हां, बात करें तो राजस्थान की 199, हालांकि वहां पर 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ है और वहां पर जो इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया का जो पोल है उसमें कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती नजर आ रही है। जी हां, बात करें तो कांग्रेस को माना जा रहा है कि 86 से लेकर 106 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं जीत सकती है। तो वहीं बीजेपी भी कड़ी टक्कर दे रही है, 80 से 100 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आ रही है। तो वहीं आदर्श की अगर मैं बात करूं तो 9 से 18 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं आ रही है। तो यहाँ पर जबरदस्त तरीके का टक्कर दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कांग्रेस है वो 36 राजस्थान में जो है वो आगे निकल रही है। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल जो हैं वो अपनी सरकार बचाने में सक्षम हो पाएंगे। जी हाँ, इंडिया टुडे मैक्सिस माई पोल के अनुसार कांग्रेस को 90 सीटों में, छत्तीसगढ़ में 40 से 50 सीट के बीच में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 36 से 46 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं जीत सकती है और अदर्श की अगर मैं बात करता हूं तो 1 से 5 सीट की चर्चा है। वहीं मध्य प्रदेश में बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके की टक्कर दे रही है और माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जी हां, बात करें तो बीजेपी को 106 से 116 सीटें, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं वहां पर ये सीटें मिलती नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को 111 से 121 सीटें जो हैं वो मिलती नजर आ रही है। तो वहीं आदर्श के 0 से 6 के बीच में पूरा का पूरा आंकड़ा है। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके का पूरा गर्दा किया हुआ है। जी हां, बात करें तो बीआरएस को 48 से 58 सीटें आ रही है, जबकि वहां पर 119 सीटें हैं और वहां पर सरकार बनाने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 60 सीटों की जरूरत है, तकरीबन 60 सीट की, और यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है 49 से 56। तो बीआरएस 48 से 58 के बीच में जो है वो जबरदस्त तरीके की फाइट देखती नजर आ रही है। हालांकि मिजोरम को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 4ों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जो है वो कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है और 4ों राज्यों में तकरीबन कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे दिख रही है। बाकी इस मसले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।